हेलो बच्चों, तो देखो अब साउंड वीडियो क्वालिटी दोनों वापस आ गई, ठीक है। तो परेशान मत होना, कई लोग बोल रहे थे कि वीडियो नहीं समझ में आ रहा, क्वालिटी ख़राब थी। डिस्टर्बेंस है यार, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती हैं, रुकना नहीं है, चलते रहना है। आज का जो टॉपिक है वो है सीडो फोर्स। सीडो फोर्स, पता नहीं, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ जब भी सीडो फोर्स का टॉपिक आता है, भले ही कोचिंग में हो या यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम मेरा है सीडो फोर्स का टॉपिक, ठीक है। अब सीडो फोर्स, पी साइलेंट है, सीडो फोर्स होती है एक धोखा फोर्स, ठीक है, एक फेक फोर्स होती है, ठीक है, एक जाली फोर्स होती है, ठीक है, एक इमेजिनरी फोर्स होती है, ठीक है, एक इल्यूजनरी फोर्स होती है। अरे कितने नाम दूँ मैं इसको, 400 बीसी वाली फोर्स है। तो सीडो फोर्स कहीं ना कहीं बुक में देखा होगा, और ये भी जानते हो कि इम्पॉर्टेंट है यार। इसकी ज़रूरत क्या हुई सीडो फोर्स की, आया क्यों ये कंसेप्ट? बच्चों कहीं ना कहीं क्या हुआ ना, न्यूटन्स के लॉ में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। न्यूटन्स सेकेंड लॉ में अगर मैं बोलूँ तो कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी न्यूटन के सेकेंड लॉ में, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बर्थ हुआ था सीडो फोर्स का। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या हमेशा सही था? क्या हर लॉ हमेशा सही होता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ डिपेंड करने लगा ऑब्जर्वर के ऊपर, कि ऑब्जर्वर है कहाँ, ऑब्जर्वर किस फ्रेम में बैठा है, ऑब्जर्वर कहाँ से सब कुछ देख रहा है। ऑब्जर्वर के लिए दो फ्रेम डिफाइन किए गए बच्चों, फ्रेम जहां पे ऑब्जर्वर होता है, एक ऐसा फ्रेम जहां ऑब्जर्वर का एस्केलरेशन जीरो हो, जो देख रहा है उसका खुद का एस्केलरेशन जीरो हो। एस्केलरेशन जीरो मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे, उसकी वेलोसिटी समय के साथ चेंज ना हो। ऐसे फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड थे, जिस फ्रेम में फ्रेम का एस्केलरेशन जीरो या ऑब्जर्वर का, या ऑब्जर्वर का एस्केलरेशन जीरो है, उस फ्रेम से हम न्यूटन्स के जितने भी लॉ देखते थे सब सही होते थे। जैसे एक बात बताओ, हम अभी जितने क्वेश्चन कर रहे थे, ये पुली वगैरह वाले, यहाँ एक M1 लगा है, M2 लगा है, ये पुली बंधी हुई है, हम सारी ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से करते थे, और ग्राउंड पे हमारा एस्केलरेशन कितना होता था? जीरो। हमने इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व किए, पुली के किए, यार जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हम हमेशा ग्राउंड पे रहते थे, और ग्राउंड पे हमारा एस्केलरेशन कितना होता था? जीरो। तो ऐसे फ्रेम जहां हमारा एस्केलरेशन जीरो हो, वहां न्यूटन्स के लॉ एकदम मस्त वैलिड थे। न्यूटन्स के लॉ को इनर्शिया का लॉ भी कहा जाता है। तो जिस फ्रेम से न्यूटन्स के लॉ वैलिड थे उनको बोला गया इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जहां न्यूटन्स के सभी लॉ प्यार से वैलिड थे। फिर एक ऐसे फ्रेम मिले जिसका एस्केलरेशन जीरो नहीं है, मतलब ऑब्जर्वर का कुछ ना कुछ एस्केलरेशन है, ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा, या तो अपनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज। ऐसे जो फ्रेम आए जहां पे ऑब्जर्वर का एस्केलरेशन कुछ था या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी चेंज हो रही थी, यहां पे न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं थे। न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन ऐसे फ्रेम में वैलिड नहीं थे, बेसिकली न्यूटन का सेकेंड लॉ यहां पे वैलिड नहीं है। ऐसे फ्रेम को हम लोग ने बोला नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो यार देख तो लो, लॉग लगा कहां रहे हैं? हर लॉ हर ऑब्जर्वर के लिए सही नहीं होता। न्यूटन्स के लॉ सही हैं, एग्जैक्टली सही हैं, किस फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम में। किन के लिए सही हैं? उन ऑब्जर्वर के लिए जिनका एस्केलरेशन जीरो है या जिनकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। चलिए, आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ में आया। एक सवाल और उठता है, कोचिंग में भी बच्चे हमसे हमेशा पूछते हैं कि सर ये M1, ये M2, हमने सारी कैलकुलेशन अभी तक कहाँ से की है? ग्राउंड से की है, है ना। ग्राउंड मतलब अर्थ होता है, अर्थ सर गोल गोल घूमती है, गोल गोल जो चीज़ घूमेगी उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। अर्थ अगर गोल गोल घूमेगी तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी इधर कभी इधर कभी इधर चेंज होगा, मतलब अर्थ का एस्केलरेशन जीरो नहीं है, मतलब अर्थ नॉन इनर्शियल है। तो देखो, बात तुम्हारी सही है, पर अर्थ की घूमने की स्पीड जो है, जो कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अर्थ की घूमने की स्पीड बहुत छोटी है, जिसकी वजह से अर्थ का एस्केलरेशन करीब करीब जीरो आता है। जो अर्थ का एस्केलरेशन है, जो घूमने की वजह से आ रहा, वो बहुत छोटा एस्केलरेशन है।
इसलिए हम अर्थ को कंसिडर कर लेते हैं, अजम्पशन ही है कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है, ये भी एक अजम्पशन है। असल में अर्थ भी नॉन इनर्शियल होगा, पर हम अपने लैब फ्रेम में जहां से हम सारे काम कर रहे हैं अभी तक जितनी पढ़ाई की उसको गलत ना हो जाए, इसलिए हम अर्थ को क्या बोल देते हैं, इनर्शियल फ्रेम, करीब करीब अर्थ के एक्सेलरेशन को जीरो मान के। चलो भाई यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से ये बातें तुम्हें समझ में आएगी जब मैं तुम्हें अगला एग्जाम्पल दूंगा। तैयार हो जाओ बच्चों, आर यू रेडी? माय नेम इज अलख पांडे, यू नो मी एज फिजिक्स वाला, अ वेरी गुड इवनिंग। टाइम हो रहे हैं 9 बज गए हैं, वीडियोस आजकल बड़े धीमे आ रहे थे, क्वालिटीज़ बहुत ख़राब थी, आज कोशिश की है कुछ क्वालिटी इंप्रूव करने की, चलिए देखते हैं। यार मैं तुम्हें अब जो एग्जांपल देने वाला हूँ ना, तुम्हारी आँख खुलने वाली है उससे। आ जाओ देखो फिजिक्स देखो। अरे मान ले ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक मास एम है और लिफ्ट ए एस्केलरेशन से ऊपर जा रही, यहाँ एक बंदा खड़ा है प्यारा सा, इसका नाम है ए, ये इस मास को देख रहा है, इसके अकॉर्डिंग इस मास का एफ बी डी बनाते हैं, तो एक फोर्स लगेगी नीचे एम जी और एक स्ट्रिंग में आएगी टेंशन टी। देखा इसने मस्त, इसने कहा एफ बी डी बनाओ मास एम का, नीचे की तरफ एम जी फोर्स, ऊपर की तरफ टेंशन टी, एस्केलरेशन ऊपर, इक्वेशन बताओ, ऊपर एस्केलरेशन है तो ऊपर की फोर्स को पॉजिटिव, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, यही तो है न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एस्केलरेशन, नेट फोर्स किधर है, ऊपर, क्योंकि एस्केलरेशन ऊपर। यहां से टी की वैल्यू बोलो एम जी प्लस एम ए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया रे, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। अच्छा अब यही मास एम है, यही लिफ्ट ए एस्केलरेशन से ऊपर जा रही, अब एक नए ऑब्जर्वर आए भाई हमारे पास और वो ऑब्जर्वर आके चुपके से इस लिफ्ट के अंदर बैठ गए। अब एक नया ऑब्जर्वर है जो कि लिफ्ट के अंदर बैठा है, ठीक है, इसका नाम है ऑब्जर्वर बी। अब ऑब्जर्वर बी ने मास एम को देखा, अरे देखा, तो उसको मास एम दिखाई पड़ा रेस्ट पे। सोचो ये पूरी लिफ्ट है, इसके अंदर मैं खड़ा हूं, मास लटका है, लिफ्ट ऊपर जा रही, लिफ्ट के साथ मैं भी ऊपर जा रहा, मुझको ये मास एम किस पे दिखेगा, रेस्ट पे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से रेस्ट पे। मैंने इसकी एफ बी डी बनाने की कोशिश की मास एम की, तो मैंने कहा नीचे की तरफ फोर्स लगेगी एम जी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी टेंशन टी और एस्केलरेशन है जीरो, मेरे अकॉर्डिंग इसका एस्केलरेशन जीरो क्योंकि मैं भी इसके साथ साथ ऊपर जा रहा, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा एस्केलरेशन जीरो मतलब जितनी ऊपर फोर्स उतनी नीचे फोर्स, तो मैंने कहा टी की वैल्यू एम जी, तो क्या टेंशन की फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करती है, वो बंदा जो नीचे से देख रहा है ए, उसके अकॉर्डिंग टेंशन कितनी है एम जी प्लस एम ए, और इस बंदे के अकॉर्डिंग टेंशन कितनी है एम जी, तो क्या टेंशन सही में फ्रेम पे डिपेंड करती है? तो भैया आंसर बड़ा सिंपल है कि टेंशन फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। अरे टेंशन तो यार रस्सी पे लगने वाली फोर्स है, इस रस्सी पे जितना खिंचाव यहाँ होगा उतना खिंचाव वहाँ होगा, बिलीव नहीं होता। मैं कहता हूँ चलो टेंशन छोड़ो, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पे भी एक स्प्रिंग बैलेंस है, तो वही टेंशन स्प्रिंग में कॉपी हो जाएगा जाके, ठीक है। अब ये बंदा स्प्रिंग की रीडिंग देखेगा बोलेगा एम जी प्लस एम ए, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग देता है, ये बंदा रीडिंग देखेगा बोलेगा एम जी, ओए होए, इस बंदे ने उठा के फ़ोन किया, सुनो भाई ये लिफ्ट के अंदर है लिफ्ट के बाहर, सेम लिफ्ट में, भाई हेलो मेरा तो आ रहा है एम जी प्लस एम ए, वो कह रहा है मेरा आ रहा है एम जी, तो दोनों एक साथ सही नहीं बोल सकते क्योंकि रीडिंग तो एक ही होगी। तो हमने क्या किया, हम दोनों को लेके गए लैब में, हमने लैब में एक्चुअल रीडिंग देखी और हमने पाया कि ये वाला सही था और ये वाला गलत था, मतलब ये भाई साहब की रीडिंग गलत आई है, क्यों, कुछ गलती की इसने, ये तो सब सही कर रहा है भाई, इसके हिसाब से इस मास का एस्केलरेशन जीरो, एस्केलरेशन जीरो तो इसने बोला ऊपर टी नीचे एम जी, इसने बोला टी इज इक्वल्स टू एम जी, तो मेरे हिसाब से तो इसने कोई मिस्टेक नहीं की, बट इसका आंसर गलत आ रहा था, ये बड़ा कंफ्यूज कह रहा है, हमने लॉ लगाया, क्या लॉ गलत है या मैं गलत हूं, क्योंकि जो मैं आंसर ला रहा हूं वो इस आंसर से मैच नहीं कर रहा, ये सही है, इसको लैब में हमने चेक कर लिया। तो बच्चों देखा गया कि लॉ भी सही है, तुम भी सही हो, बस लॉ को लगाने की जगह सही नहीं। अब जब ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर आ गया तो ऑब्जर्वर का भी कुछ एस्केलरेशन हो गया, ये ऑब्जर्वर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम का पार्ट हो गया, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ यदि लगाओगे तो आंसर गलत आएंगे, यानी न्यूटन्स के लॉ सिर्फ वैलिड हैं उस फ्रेम में जिसका एस्केलरेशन जीरो हो। जैसे ये बंदा देखो ग्राउंड पे था, इस बंदे का एस्केलरेशन जीरो था, ये किस में था, इनर्शियल फ्रेम, इसीलिए इसका आंसर सही आ रहा था और उसका गलत। तो आप प्लीज़ नोट डाल के लिखिए ये बात, नोट करें, नोट, न्यूटन्स लॉज
न्यूटन्स लॉज होल्ड ओनली फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर. और हमने प्रूफ किया आपको ये बात कि दोनों की बातें सही नहीं हो सकती थी, और लैब में टेस्ट करके देखा इसकी सही थी उसकी गलत. टी की वैल्यू दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम. टी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, टेंशन. तो यार अब हमें समझ में आ गया कि न्यूटन्स के लॉ गलत नहीं है, बस ऐसे फ्रेम में नहीं लगाना चाहिए जिस फ्रेम का कुछ एक्सेलरेशन हो. अब बताओ क्या करें, अब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. हमें कभी भी बोलता है कि हम कार के अंदर हैं, कार एक्सेलरेशन से चल रही, तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. हम किसी इंक्लाइन प्लेन पे बैठे हैं, वो एक्सेलरेशन से चल रहा, हम सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे न्यूटन्स लॉ से, क्या करें. तो सोल्यूशन है इसका. सोल्यूशन क्या है, जैसे मान लो तुमने किताब में आंसर देखा गलत आ रहा, तो तुमने कुछ चेंज किया फॉर्मूले में, आंसर सही आया. फिर दूसरे क्वेश्चन में भी आंसर गलत आ रहा, तुमने सेम चेंज किया फिर आंसर सही आया. तीसरे में भी सेम चेंज फॉर्मूले में किया आंसर सही आया. मतलब अगर कोई एक जुगाड़, कोई एक ट्रिक मिल जाए जिसे सारे आंसर सही हो जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम यूज़ कर लेंगे. और इसी जुगाड़ का नाम बच्चों पड़ा सीडो फोर्स. यहाँ से बर्थ हुआ सीडो फोर्स का. सीडो फोर्स इज यूज्ड टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. ये जो प्रॉब्लम हो रही थी नॉन इनर्शियल फ्रेम वाली, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे सीडो फोर्स को. सीडो मतलब धोखाधड़ी वाली फोर्स, मतलब ये फेक मेथड है, असल में ऐसी कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती. जैसे हम लोग कई बार एक शॉर्टकट बना लेते हैं, उससे आंसर बार बार आता जाता है, वैसे ही एक सीडो फोर्स है. क्लियर है, सीडो फोर्स एक धोखाधड़ी की फोर्स है. कब यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में. कौन नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, जब अपना ऑब्जर्वर है ना. सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कब यूज़ करनी है कब नहीं. तब यूज़ करो जब ऑब्जर्वर कहाँ हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में. द फॉर्मूला फॉर सीडो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस एम ए. नोट करें, माइनस एम ए. प्यारे बच्चों, यहाँ एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी स्टडी कर रहे हो, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, उसका खुद का एक्सेलरेशन है, वो यहाँ पे रखना है. एफ पी इज डेफिनेटली स्यूडो फोर्स. ये माइनस साइन ये बता रहा कि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिस तरफ है, सीडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है. किसके ऊपर लगानी है, ऑब्जेक्ट के ऊपर. किसके ऊपर लगानी है, ऑब्जेक्ट. जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो. किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में. उस फोर्स का मैग्नीट्यूड एम ए. एम ए एक्सेलरेशन है ऑब्जर्वर का, एम मास उस ऑब्जेक्ट का. इसके बाद लगाओ न्यूटन्स के लॉ, वैलिड. लगा दो न्यूटन्स के लॉ, पक्के वैलिड. नहीं क्लियर हुआ, आ जाओ लिफ्ट वाले सवाल में. मैं लिफ्ट वाले सवाल में आया, बी को अंदर भेजा, बी ने इसको देखा, देखा जो तुमको. अच्छा भाई, अब बी ने इसको देखा, अब आपको पहले से पता है कि टी क्या आएगा, एम जी प्लस एम ए. तो हमें कुछ ऐसा करना है कि टेंशन की वैल्यू क्या आ जाए, एम जी प्लस एम ए. ये पूरी लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही, मतलब ऑब्जर्वर भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा, मतलब ये कैसा ऑब्जर्वर हो गया, नॉन इनर्शियल, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है. अब ये क्या करेगा, इसको न्यूटन्स के लॉ लगाने हैं, तो ऑब्जेक्ट पे एक सीडो फोर्स लगाएगा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ, एम ए. खेल खत्म. इसने एम के ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लगाई, एम ए, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर था, तो सीडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में. खेल खत्म भाई साहब. अब बाकी फोर्स बताओ, ऊपर की तरफ टेंशन टी, नीचे की तरफ एम जी. सही है, टेंशन टी, नीचे की तरफ एम जी. एक फोर्स उसने खुद से जोड़ी सीडो. क्यों जोड़ी, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन सा था, नॉन इनर्शियल. सीडो फोर्स तब लगती है जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो. अब ये ऑब्जर्वर मास एम को अभी भी देख रहा, मास एम अभी भी उसे किस पे दिख रहा, रेस्ट पे. मास एम तो अभी भी रुका है भाई साहब, वो तो लिफ्ट के अंदर से देख रहा है, मास एम अभी भी रेस्ट पे. मतलब उसको इस मास एम का एक्सेलरेशन दिखाई कितना पड़ रहा है, जीरो. मतलब जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे, तो टी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी. हाँ या ना भाई, ऐसा थोड़ी ना हुआ कि इसको लगाने के बाद कुछ चेंज हो गया. एक्सेलरेशन तो अभी भी उसको मास एम का जीरो दिखाई पड़ रहा है, ऐसे देखा रुका हुआ है, क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम में. सीडो फोर्स लगाने के बाद अब जब उसने कहा कि ये रेस्ट पे है, तो जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे, T इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी. रिजल्ट मैच कर गया जो रिजल्ट चाहिए था. आया मजा, समझ में आया, फील आया, प्यार आया. प्यार सर, यहाँ पे प्यार कैसे आएगा. अच्छा देखो, अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ. ये तो बहुत ही घटिया एग्जाम्पल था, ठीक है, मतलब एकदम बिगनर्स के लिए था. हम लोग चलते हैं एक प्यारी सी कार में, ठीक है, एक फरारी कार है, मेरी है, तुमको मैं बैठा लूँगा, जगह थोड़ी सी दे दूँगा इसमें. और फरारी कार में हमने एक पेंडुलम टांग रखा है ना. सर कार में भी फिजिक्स लगा दी,
ये पेंडुलम है मास एम का, और ये कार जैन से एक्सलरेशन से आगे बढ़ी। अच्छा तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, ये मास एम किधर जाएगा? बोलो 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 बोलो, क्या कहता है तुम्हारा दिमाग? ये जो स्ट्रिंग से मास एम लटक रहा है किधर जाएगा? पीछे की तरफ। भाई कार ऐसे आगे बढ़ेगी तो ये मास एम पीछे जाएगा जिंग, और एक जगह जाके ऐसे टंग जाएगा, है ना? कार आगे बढ़ी जिंग, ऐसे जाके एक जगह जाके रुका रहेगा, और ऐसे ऐसे होता रहेगा। ये क्यों हो रहा है? मान लो ये ऑब्जर्वर है, वही बी ऑब्जर्वर अंदर आ गया, ये ऑब्जर्वर भी ए एस्केलरेशन से आगे बढ़ रहा कार के साथ। मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर सीट पे बैठा हुआ है, इसको एक चेयर दे देते हैं, ठीक है, मस्त बैठा है चेयर पे आराम से, और चेयर कार से जुड़ी है तो ये एस्केलरेशन से आगे बढ़ रहा। इसने मास एम को देखा, ये पीछे आ रहा, अब ये डाउट में है कि मास एम पे कौन सी फोर्स लग रही है जो वो पीछे आ रहा, ऐसी कौन सी फोर्स है जो पीछे आ रहा? आप कह रहे हो हवा से हुआ है, हवा से ऐसा नहीं हुआ है। आप गाड़ी के सारे शीशे बंद कर दो, सब बंद कर दो, फिर भी वो मास एम पीछे आएगा जब गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसको कहते हैं फेक ग्रेविटी, अभी समझ में आएगा। तो इसने कहा अच्छा मैं तो हूँ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, मैं तो इस दुनिया का हूँ नहीं, मैं तो हूँ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, तो मुझे इस मास एम पे तुरंत क्या लगानी चाहिए? सीडो फोर्स, अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एम ए। लो जस्टिफाई हो गई बात, अब क्लियर है पीछे क्यों आ रहा, बिकॉज ऑफ सीडो फोर्स, बिकॉज ऑफ सीडो फोर्स ये मास पीछे आ जाएगा ऐसे। अब न्यूटन के लॉ वैलिड है, अब वो क्लियर है। अभी तक वो डाउट में था कि यार बिना फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट कैसे पीछे आ सकता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है ना, बिना फोर्स के तो स्टेट चेंज नहीं होगी, पर ये तो यार स्टेट चेंज करके पीछे आया। तो उसने क्या किया, सीडो फोर्स लगाई, अब न्यूटन के लॉ वैलिड है। मतलब यहां पे भी न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं था, बिकॉज ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर था जहां न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते, पर उसने जैसे ही सीडो फोर्स लगाई न्यूटन के लॉ वैलिड हो गए। सीडो फोर्स का काम क्या है? न्यूटन के लॉ को वैलिड करना इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन आती है हम वही करें। चलो यार ये बातें छोड़ते हैं, इसी पे क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको, एचसी वर्मा में दिया हुआ सवाल है। मान लो यहां पे मेरे पास एक ट्रॉली है, ट्रॉली है प्यारी सी, और इसके अंदर एक वही बॉब लटक रहा है मास एम का, और ये ट्रॉली आगे भाग रही है एस्केलरेशन ए से, तो ये मास एम जूम से पीछे जाएगा और जाके एक जगह थीटा एंगल पे जाके रुक गया, होगा कि नहीं? स्पीड में पीछे जाएगा ऐसे और एक जगह जाके किसी एंगल पे रुका रहेगा। अगर कार लगातार एक्सेलरेट कर रही है, अगर ये लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, हमसे पूछा फाइंड थीटा वेयर एम रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, वेयर एम रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ऑब्जर्वर को अंदर बैठा के, ऑल्दो मैं बाहर से भी इसको सॉल्व कर सकता था। जितने क्वेश्चन आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हो सब इनर्शियल से भी हो सकते हैं, बस बात ये होती है नॉन इनर्शियल से करने से क्वेश्चन छोटा हो जाता है। सीडो फोर्स का कंसेप्ट क्वेश्चन को छोटा करने के लिए आया है। चलो अंदर चलो, देखो कितनी आसानी होगी। अंदर आते ही हमने कहा हम भी एस्केलरेशन से आगे जा रहे हैं, यानी हम कौन से ऑब्जर्वर हैं? नॉन इनर्शियल। हमें रियलाइज होगा ये बात, मतलब हमें इस मास एम पे क्या लगानी पड़ेगी? सीडो फोर्स। तो हम इसका एफ बी डी बनाते हैं मास एम का। ये रहा मास एम, यहां से लटक कर इधर चला आया झूल कर, ठीक है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो इस पे इस तरफ हमने लगा दी सीडो फोर्स एम ए, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन इधर था तो सीडो फोर्स पीछे, और लग रही होगी इस पे टेंशन, और लग रहा होगा एम जी, और कोई फोर्स मास एम पे? झूल के यहां पे आके रुक गया है, और कोई फोर्स? हाँ या ना भाई, और कोई फोर्स मेरे ख्याल से तो नहीं है। पीछे की तरफ सीडो, नीचे एम जी और टेंशन टी। आइए ये मास एम बनाया, इधर फोर्स एम ए, इधर फोर्स एम जी, इधर टेंशन टी, ये थीटा, तो ये भी थीटा। आइए टी के कंपोनेंट निकालें, टी का इस तरफ कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी का इस तरफ कंपोनेंट टी साइन थीटा, सही है? ये जो टी है इसका इधर कॉस थीटा, इधर साइन थीटा। अब टी को हटा सकते हैं क्योंकि टी के कंपोनेंट ले लिए हैं। अब एक बात बताओ, ये बंदा जब इस मास एम को यहां पे देखेगा पीछे आने के बाद, पीछे आने के बाद क्या ये मास एम रेस्ट पे आ जाएगा? शुरू में पीछे जाएगा पर यहां पे आके किस पे आ गया? रेस्ट। क्वेश्चन भी दिया है वेयर एम रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, यहां पे आके वो इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे, जितनी फोर्स आगे उतनी फोर्स पीछे। ऊपर की फोर्स टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, आगे की फोर्स टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। क्लियर है? क्या करें क्या करें, क्या निकालें, क्या निकालना है? थीटा। थीटा कैसे आएगा? इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए बटे एम जी। यम से यम मर गया, टी से टी मर गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज
tan theta is equals to a by g and that is the answer. कोई पूछे theta की value कितनी है, तो बोलो tan inverse a बराबर g, मिल गया. अच्छा यहाँ से इस formula से देखो tan theta is equals to a by g से कि a की value जितनी ज़्यादा होगी tan theta की value उतनी ज़्यादा होगी, यानी theta की value उतनी ज़्यादा. अब जरा सोचो जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये पीछे भागेगा और एंगल उतना बड़ा होगा. तो ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया नॉन इनर्शियल फ्रेम से. इसको आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे इनर्शियल फ्रेम से भी, मतलब मैं इसको बाहर से भी सॉल्व कर सकता हूँ तब भी सारा आंसर सही आएगा, तब भी सब सही आएगा. जब हम बाहर से देख रहे होंगे ना तब भी सब सही आएगा. अंदर से फ़ायदा क्या हुआ, ये हमें रेस्ट पर दिखने लगा. बाहर से देखोगे ये कभी रेस्ट पर नहीं दिखेगा, बाहर से यहां पे आके रुका है पर फिर भी ये एस्केलेरेशन से आगे जा रहा, क्योंकि जब बाहर से देखोगे तो ये गाड़ी में बंद होके आगे जा रहा है. मैं इसको बाहर से भी सॉल्व करूंगा, सेम आंसर लाके दिखा सकता हूं. दिखाऊं, मानोगे तो है नहीं. आओ भैया फिजिक्स गलत नहीं हो सकती. आओ देखो ये लटका हुआ है, अब मैं इसको बाहर से सॉल्व करता हूं. ए ऑब्जर्वर जो कि कहां पे खड़ा है, ग्राउंड में, कैसा ऑब्जर्वर है, इनर्शियल. यहां से भी आंसर सेम आएगा, ये ए एस्केलेरेशन से आगे बढ़ा, ये बिल्कुल अभी भी पीछे जाएगा और यहां जाके रुक गया एंगल थीटा पे. अच्छा इसके हिसाब से इसको एनालाइज करते हैं, यहां पे रुका है एंगल थीटा पे आके, मास एम, इधर टेंशन टी, नीचे एम जी. जब ए एम को देखेगा तो ए को एम किधर जाता हुआ दिखेगा, आगे एस्केलेरेशन ए से, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर है, गाड़ी ए से आगे जा रही, ए को भी एम आगे जाता हुआ दिखेगा. तो ए ने एम को देखा, एम उसे किधर आ जाता हुआ दिखेगा, आगे की तरफ एस्केलेरेशन ए से. अब ये सोचेगा क्यों जा रहा, क्यों जा रहा, तो ये कहेगा टेंशन की फोर्स इसको आगे ले जा रही. इसके दिमाग में ये बात आएगी, एफबीडी बनाओ, ये रहा मास एम, नीचे की तरफ बोलो एम जी, इस तरफ बोलो टेंशन टी, सीडो फोर्स अब नहीं लगाना. ये कैसा ऑब्जर्वर है, इनर्शियल है, अब सीडो फोर्स नहीं लगाना. इसका एस्केलेरेशन किस तरफ, इस तरफ ए. चलो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, टी के कंपोनेंट इस तरफ बोलो टी कॉस थीटा, आगे की तरफ बोलो टी साइन थीटा, सही है, इधर कॉस इधर साइन हटा लिया मैंने. वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है ना, ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी. अब ये देख रहे इनको ये मास आगे जाता हुआ दिख रहा क्योंकि ये बाहर खड़े हैं, इनको तो कार के साथ ही आगे जाता हुआ दिख रहा. आगे ले जानी फोर्स कौन सी है, आगे ले जाने वाली फोर्स कौन सी है, टी साइन थीटा. तो इन्होंने कहा टी साइन थीटा की वजह से ये आगे जा रहा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलेरेशन. सेम इक्वेशन आ गई, से यस से नो, से यस से नो आई कि नहीं आई, यार एकदम सेम आ गई. फिजिक्स हमेशा काम करेगी यार, टेंशन मत लो. टी साइन थीटा आगे की तरफ था, इसने कहा यह ब्लॉक किधर जा रहा, आगे, तो आगे की तरफ फोर्स कौन सी है, टी साइन थीटा. इसने कहा टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, सेम इक्वेशन बन गई. इसको इससे डिवाइड कर दो फिर से वही आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बट जी. अब तुमने कहां से सॉल्व किया, बाहर वाले ऑब्जर्वर से. तुम सॉल्व क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो, पर सीडो फोर्स का कंसेप्ट क्यों सिखा रहे हैं आपको हम, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, चीजें रेस्ट पर चली जाएगी, चीजें इक्विलिब्रियम पे. देखो यहां से इक्विलिब्रियम पे नहीं थी, अंदर जाके किस पे चली गई थी, इक्विलिब्रियम पे. ठीक है चलिए, अच्छा ये अगला सवाल देखते हैं और मजे लेते हैं इसके. ठीक है और मजे लेते हैं इनके सवालों के और समझते हैं इन कहानियों को. जैसे हम आपको दे दें अगला सवाल, यूं है, चलो ये करो, ये भी एच सी वर्मा का सवाल है, मैं आपको देता हूँ. कच 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 कर कुटुडो कटिकुड़ू. यहाँ एक मास लटक रहा है 1.5 kg, यहाँ एक दूसरा मास लटक रहा 3 kg, ये स्प्रिंग से बंधे हुए हैं और ये पूरा सिस्टम गया एक लिफ्ट के अंदर और ये लिफ्ट ऊपर भाग रही है जी बाई 10 एस्केलेरेशन से. ये लिफ्ट पूरी ऊपर जा रही जी बाई 10 एस्केलेरेशन से. हमसे पूछा फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. ये जो स्प्रिंग है ना कई बार रीडिंग निकालता है, तो हमसे पूछ रहा स्प्रिंग बैलेंस की क्या रीडिंग है. देखो रीडिंग का मतलब इसमें आने वाली टेंशन, तो टेंशन मत लो. स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग का मतलब तुम्हें स्प्रिंग में आने वाली टेंशन बता देनी है, वही रीडिंग होती है. ठीक है असल में ये मास मेजर करता है. ठीक है तुम अभी टेंशन निकालो फिर समझाएंगे आगे.
अब यार ये क्वेश्चन करने में क्या करूँ मैं, दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ ग्राउंड से, या तो मैं अंदर जा के सॉल्व करूँ ऐसे फ्रेम से। ग्राउंड से करूँगा तो मुझे बहुत सी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि ये सिस्टम अपने में भी चल रहा है, एटवुड मशीन है ये, अपने में भी चलेगा ऐसे ही, इधर 3 kg इधर गिरेगा, 1.5 kg ऊपर जाएगा, साथ में ये पूरा फ्रेम भी ऊपर जा रहा है G/10 एक्सेलरेशन से। अरे मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं लिफ्ट में देख रहा हूँ, लिफ्ट ऊपर जा रही, लिफ्ट के अंदर एक मास नीचे एक मास ऊपर, इतना कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है मुझे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चला जाऊँगा लिफ्ट के अंदर। अब लिफ्ट के अंदर जाके फायदा क्या होगा, लिफ्ट के अंदर जाके फायदा ये होगा कि मेरे लिए पूरी लिफ्ट आ गई रिस्ट पे, क्योंकि मैं तो लिफ्ट के अंदर। अगर हम इस फ्रेम के अंदर चले आए तो ऐसा होगा ना यार कि ये वाला एक्सेलरेशन तो खत्म, अब तो हम अंदर आ गए, हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि एक ब्लॉक नीचे जा रहा है एक ब्लॉक ऊपर आ रहा, सिंपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सवाल हो गया, पुली वाला। हाँ, इस फ्रेम के अंदर इस भाई साहब को एक बात पता होनी चाहिए कि हम खड़े हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ये फ्रेम वो फ्रेम नहीं है जो पहले ग्राउंड पे होता था, मतलब यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ेगी सीडो फोर्स। क्या यूज़ करनी पड़ेगी, सीडो फोर्स। तो इस पूरे को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1.5 3 kg, अब दोनों के ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, सीडो फोर्स। एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर का किधर है, ऊपर की तरफ कितना है G/10, तो इस पे नीचे की तरफ M into कितना G/10, अपोजिट डायरेक्शन में सीडो फोर्स, इसमें भी नीचे की तरफ M कितना है इसका, यही वैल्यू रख लेते हैं 1.5 × G/10, इसमें नीचे की तरफ 3 × G/10, यही तो है ना सीडो फोर्स। MA किस डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। बस मस्त, अब टेंशन खत्म। अब बी वाला भी इसको सॉल्व कर सकता है जस्ट यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन के लॉज इस पे वैलिड है क्योंकि सीडो फोर्स लगा ली। मतलब जब भी क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम के अंदर आके सॉल्व करना हो तो बस एक काम कर लो, हर ऑब्जेक्ट पे लगा लो सीडो फोर्स और उसके बाद वो क्वेश्चन सिंपल। अब देखो यहाँ पे एक फोर्स ऊपर की तरफ टेंशन टी, स्ट्रिंग है सेम तो यहाँ पे भी टेंशन टी, और कोई फोर्स, हाँ नीचे की तरफ इसका वेट 3g, नीचे तरफ इसका वेट 1.5g, बोलो सही है, सारी फोर्सेस बन गई, ऊपर की तरफ टी, इसका वेट 1.5g, इसका वेट 3g। अब इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, यहाँ से सवाल एकदम हल्का हो चुका है, अब बस इक्वेशन बना के सवाल को सॉल्व करना है। इक्वेशन बनाएंगे हम, चलो 1.5 का FBD बनाते हैं, 1.5 का FBD, नीचे की तरफ 1.5g/10 सीडो, 1.5g, ऊपर की तरफ टेंशन टी, 3 kg का 3, नीचे की तरफ 3g/10, नीचे की तरफ 3g, ऊपर की तरफ टेंशन टी। अच्छा, एक्सेलरेशन किस तरफ दिख रहा होगा, डेफिनेटली 3 kg वाला नीचे गिर रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग से बंधे हैं, तो ये नीचे ए, ये ऊपर ए। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, नेट फोर्स किधर होनी चाहिए, अपवर्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो इक्वेशन इसके लिए टी माइनस 1.5g/10 माइनस 1.5g इज इक्वल्स टू ma, 1.5a, बोलो सही है, नेट फोर्स किधर है, अपवर्ड इज इक्वल्स टू ma। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, नेट फोर्स किधर है, डाउनवर्ड्स, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, 3g/10 प्लस 3g माइनस टी इज इक्वल्स टू 3a। बस बच्चों इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, टी से टी मर जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, टी की वैल्यू आ जाएगी और रीडिंग निकल आएगी। चलिए करके देखते हैं, एक काम करते हैं, जी की वैल्यू को 10 पुट कर देते हैं, तो यहाँ जी की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ जी की वैल्यू 10 रखोगे तो 1.5 × 10 15, यहाँ 10 रखेंगे 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 10 रखेंगे तो 3 × 10 = 30। ओके, दोनों को ऐड करेंगे, टी से टी मर जाएगा, 30 − 15 15, 3 − 1.5 डेढ़, 16.5 इज इक्वल्स टू 4.5a, यहाँ से पॉइंट हट गया, 9 से कटेगा, 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 9, कितना बचा, 17 नहीं कटा, 5 से काटते हैं, 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 15, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 11/3। कैलकुलेशन कर लोगे, इक्वेशन सही बनाना, उसके बाद जी की वैल्यू 10 रख दी मैंने और ए की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 11/3। अब इस ए की वैल्यू को इसमें या इसमें पुट करके आप टी की वैल्यू निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। चलो मैं नीचे वाली में पुट करता हूँ, ठीक है,
नीचे इक्वेशन क्या है, 3 + 30 - t = 3a, ये हो गया 33 - t, a की वैल्यू 11/3, 3 से 3 मर गया, t इधर गया, t = 33 - 11, कितना हो गया 22, तो टेंशन कितना है 22 न्यूटन। अब बात आई स्प्रिंग की रीडिंग की, अब सवाल बहुत हलवा है, यहाँ पे टेंशन कितना होगा t, यहाँ पे t, क्या पुली रुका हुआ है इस ऑब्जर्वर के लिए, इसी ऑब्जर्वर के लिए सब बात कर रहे हैं, हाँ पुली रुका हुआ है, पुली तो रुकी है ना, तो यानी पुली के ऊपर की तरफ फोर्स भी 2t होगी, नीचे देखो पुली को t खींच रही तो ऊपर भी 2t, तो स्प्रिंग की रीडिंग t ना होकर 2t हो जाएगी, क्लियर है, t इधर तो ऊपर की तरफ 2t, सो द रीडिंग विल बी 2t, t की वैल्यू 22, तो 2t विल बी 44 न्यूटन। और अगर कहता है मास बताओ, तो इसको वापस g से डिवाइड कर दो, g से डिवाइड कर दोगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 4.4 kg, तो ये 4.4 kg का वेट मेजर करेगा या 44 न्यूटन की रीडिंग देगा, दोनों में से जो चाहो बता सकते हो। करने का तरीका क्या था, फ्रेम के अंदर आके सॉल्व किया, फ्रेम के अंदर आके एक कन्फ्यूजन खत्म हो गई कि फ्रेम ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, सीधा सीडो फोर्स लगाई और ये सवाल सिंपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ एक बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर हमने एक मास एम रख दिया, इंक्लाइन प्लेन को बोल दो मास m का है, ये एंगल बोल दिया थीटा, और इस इंक्लाइन प्लेन को हमने a एस्केलरेशन से आगे बढ़ा दिया। अब जब ये इंक्लाइन प्लेन तेजी से आगे बढ़ेगा बच्चों, तो ये मास पीछे जाने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ सीडो फोर्स। अच्छा कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कॉपी के सामने हम कोई सामान रख के तेजी से आगे ले जाते हैं तो वो सामान फिसल कर नीचे नहीं गिरता, कई बार होता है ना, जैसे इस पर हम कोई चीज़ रखें और तेजी से इसको आगे ले जाएं तो वो सामान फिसल कर नीचे नहीं गिरता, तो ये क्वेश्चन वही है, हम पूछने जा रहे हैं फाइंड एस्केलरेशन ऑफ m सच दैट m इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल m। इसका ऐसा एस्केलरेशन बताइए कि m फिसल कर नीचे आना बंद कर दे, ठीक, तो हम एक काम करते हैं, हम ऑब्जर्वर बन के इस पे बैठ जाते हैं, हम हैं ऑब्जर्वर, हम कैसे ऑब्जर्वर हो गए, हम हो गए नॉन इनर्शियल क्योंकि हमारे पास है कुछ एस्केलरेशन। अब हमको स्टडी करनी है इस मास m की, तो इसके ऊपर हमें लगानी पड़ेगी सीडो फोर्स, किधर लगेगी सीडो फोर्स, इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ऑब्जर्वर का एस्केलरेशन इस तरफ क्योंकि हम इसी फ्रेम में बैठे हैं, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो सीडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी एम ए। अब इस सीडो फोर्स के ये ऊपर वाले कंपोनेंट की वजह से मास का फिसलना बंद हो जाएगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी कितना होगा थीटा, मास एम पे लगने वाली और कोई फोर्स नीचे की तरफ एम जी, और कोई फोर्स यहाँ से लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर हम एम की एफ बी डी बनाएं, एम की एफ बी डी बनाएं हम यहाँ पर, तो एम पे एक फोर्स नीचे की तरफ एम जी, एक फोर्स पीछे की तरफ एम ए, एक फोर्स इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन, तो हम सभी फोर्सेस को इसमें और इसमें कंपोनेंट ले लेते हैं, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है, तो एम ए का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, एम ए कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और एम ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, एम ए साइन थीटा, तो एम ए के दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ये एंगल थीटा था तो इधर गया एम ए कॉस थीटा और इधर आएगा एम ए साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम एम ए को हटा सकते हैं क्योंकि एम ए के दो कंपोनेंट हमने ले लिए हैं। इसी तरह से एम जी के दो कंपोनेंट निकालते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, बच्चों ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा और ये फिर से थीटा, तो एम जी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा और अलॉन्ग द इंक्लाइन कितना आएगा, एम जी साइन थीटा। शायद आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा हो कि एम जी का अलॉन्ग द इंक्लाइन कितना आता है, एम जी साइन थीटा और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा, तो एम जी का इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। अब हम एम जी को भी हटा सकते हैं बच्चों क्योंकि एम जी के भी कॉम्पोनेंट बन गए। अब हमने कहा इसको रेस्ट पर रहना है, रेस्ट पे रहना है तो जितनी फोर्स इस तरफ उतनी फोर्स इस तरफ, जितनी फोर्स इस तरफ उतनी फोर्स इस तरफ, हमने इस प्लेन और इस प्लेन में फोर्स को निकाला, इसको हमने बोल दिया x, इसको बोल दिया y, तो x में भी फोर्स जीरो कर दो और y में भी,
y में 40 करोगे तो n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, यहां से तो आंसर नहीं मिला। आओ x में 0 करें तो ma cos थीटा इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। देखो फील भी है, ये ब्लॉक नीचे गिरना चाह रहा था, जब आपने इंक्लाइन प्लेन को आगे बढ़ाया तो सीडो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, सीडो फोर्स का ऊपर, सीडो फोर्स ऐसे लग रही पीछे की तरफ, इसका ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा को रोकेगा। यहां से m मर गया, a इज इक्वल्स टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा व्हिच इज a इज इक्वल्स टू g tan थीटा। तो आपको मिल गया कितने एस्केलेरेशन से चलाना है, व्हाट इज द आंसर, g tan थीटा। इसी सवाल को आगे बढ़ा के आपसे पूछ सकता है कि इस टाइम ये स्मॉल m पूरे बड़े वाले कैपिटल m पे कितनी फोर्स लगा रहा, या इनके बीच का क्या नॉर्मल रिएक्शन है, दोनों एक ही बात है, ये इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन आप निकाल सकते हो mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, और a की वैल्यू क्या है, g tan थीटा इंटू साइन थीटा, एंड दैट इज द आंसर फॉर नॉर्मल रिएक्शन, या जो फोर्स स्मॉल m कैपिटल m पे लगा रहा। क्लियर है। एच सी वर्मा में इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देता है एक्सरसाइज में, शायद देख रखा हो, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन ऑफ एच सी वर्मा है वो, किताब का एक बढ़िया सवाल है। जैसे मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा, प्लेन का मास m डैश, इसके ऊपर एक मास रखा है स्मॉल m, ठीक है, यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग बांधी, यहाँ से एक पुली लगा दी, और पुली के ऊपर से रस्सी डाल के यहाँ ले आए, और यहाँ लगा दिया है कैपिटल M। अब होगा क्या बच्चों, ये कैपिटल M नीचे गिरेगा और पूरे इंक्लाइन प्लेन को आगे खींचेगा, इंक्लाइन प्लेन आगे आएगा तो M पे पीछे सीडो फोर्स लगेगी। तो हमसे पूछा है व्हाट शुड बी मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक, मतलब कैपिटल एम की क्या वैल्यू हो, फॉर विच स्मॉल एम डज नॉट स्लाइड ओवर एम डैश। तो है वही सवाल, कह रहा है कि ये कितना मास हो, इसका जितना मास होगा ये नीचे खींचेगा, गिरेगा ग्रेविटी की वजह से, जब ये गिरेगा तो ये एस्केलरेशन लेके आगे आएगा, ये आगे आएगा तो इस पर पीछे फोर्स लगेगा सीडो फोर्स, और ये नीचे नहीं गिर पाएगा। तो हमसे पूछ रहा है इसका मास कितना हो, तो हम फिर वही करते हैं, हम बैठ जाते हैं कहाँ पे, वेज के ऊपर इस फ्रेम में, मान लेते हैं इसका आगे की तरफ एस्केलरेशन ए, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ सीडो फोर्स एम ए लग जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा इस ए की क्या वैल्यू हो कि ये रुका रहे, तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं ए की वैल्यू कितनी हो, जी टैन थीटा, पिछले एग्जांपल में यही पढ़ाया मैंने, फिर से डिराइव कर सकते हो, बहुत शॉर्ट में बता दूं, इस बार बहुत शॉर्ट में बताऊं, पीछे की तरफ लगी एम ए, ये एंगल कितना होगा थीटा, तो इस तरफ कॉम्पोनेंट एम ए कॉस थीटा, और एम जी का इधर कॉम्पोनेंट आता है एम जी साइन थीटा, इन दोनों को इक्वेट कर दो, एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा जी टैन थीटा, तो इतना एस्केलरेशन होना चाहिए, कितना, जी टैन थीटा। तो हमें एस्केलरेशन पता चल गया, अब एम को निकालना चुटकियों का खेल है, नीचे की तरफ फोर्स एम जी, ऊपर टेंशन टी, एस्केलरेशन ए, ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा क्योंकि ये दोनों मास एक साथ चलेंगे, फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर, टेंशन टी, सिस्टम एम डैश प्लस एम, एस्केलरेशन कितना ए। आइए दोनों की इक्वेशन लिखें, इसकी इक्वेशन लिखी जाए नेट फोर्स नीचे, तो हम लिखेंगे एम जी माइनस टी, नेट फोर्स नीचे है, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा ए एस्केलरेशन से, इसके लिए इक्वेशन, फोर्स कितनी लग रही है इस पे, टेंशन टी, इसी तरफ जा रहा पीछे कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम इंटू ए, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया मैंने, टी से टी मर गया, एम जी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम डैश ए प्लस एम ए। वॉट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड वॉट शुड बी मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक एम, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए नीचे ना गिरे, तो हमने वो एस्केलरेशन निकाल ली जिसके लिए नीचे नहीं गिरेगा, अब हमको कैपिटल एम की वैल्यू चाहिए, तो इसको सब्जेक्ट बना लो, इसको इधर ले आते हैं, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम इंटू ए, यहाँ से एम जी ए की वैल्यू पुट कर दो, जी टैन थीटा, जी टैन थीटा
इज इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम जी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू, जी टैन थीटा। यहाँ से जी कॉमन हो जाएगा, बचेगा एम भी कॉमन हो जाएगा, एम जी कॉमन बचा 1 माइनस टैन थीटा, यहाँ एम डैश प्लस एम और क्या है जी टैन थीटा, जी से जी मर जाएगा, क्या बचेगा एम इंटू 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम इंटू टैन थीटा, यही बच रहा है। यहाँ से m की वैल्यू मिल गई m डैश प्लस एम इंटू टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, हो गया। अब इस टैन थीटा को चाहो तो नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो, 1 को टैन थीटा से डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा कॉट थीटा, और टैन थीटा को टैन थीटा डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा 1, तो कॉट थीटा माइनस 1, इसको नीचे ले गए फिर टैन थीटा को डिवाइड कर लिया, तो m की वैल्यू आई m डैश प्लस m डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस 1, तो क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल भी। इसके पहले वो एग्जाम्पल करा दिया जिसमें पता चला कि क्या एस्केलेशन होनी चाहिए, जी टैन थीटा से काम बन रहा था। अब प्यार पूछा कितना मास हो, तो हमने उसी एस्केलेशन को यूज करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सीडो फोर्सेस के ऊपर। आप ये तो जानते ही हो कि क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती, तो मैं कितने क्वेश्चंस आपको कराता रहूं कभी भी आपको नहीं लगेगा कंप्लीट हो गया। जो मेन उसका टॉपिक था, जो मेन इसका कंसेप्ट था, वो हमने आपको समझा दिया कि कैसे सॉल्व करना है। एक बात और याद रखना, तुम इनर्शियल फ्रेम में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में, टाइम दोनों फ्रेम के लिए सेम होता है। क्या चीज़ सेम होती है, टाइम इज सेम फॉर बोथ फ्रेम, चाहे आप इनर्शियल फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जैसे एक सवाल एच सी वर्मा में आपको और मिलेगा, मान लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है एम, और इसको मैंने बेंड कर दिया एक लिफ्ट के अंदर, और इस लिफ्ट को ऊपर भगा दिया एस्केलरेशन ए नॉट से। मान लीजिए इसकी लेंथ है कैपिटल एल, और मान लीजिए ये एंगल है थीटा। हमसे पूछा फाइंड द टाइम इन विच एम स्लाइड्स फ्रॉम, इसको मैं दे दूं ए, इसको कह दूं बी, फ्रॉम ए टू बी, मतलब फिसल के पूरा नीचे आ जाए, इसका टाइम निकालना है। अब बाहर से देखोगे तो यार बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी भी ऐड कर रही है, और ये नॉन इनर्शियल मतलब एक ऐसे फ्रेम में रखा जिसका एस्केलरेशन है। हम एक काम करते हैं, ऑब्जर्वर को अंदर ले चलते हैं, यहाँ पे फ्रेम के अंदर। अब ये ऑब्जर्वर कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। अब ये इस मास को जब देखेगा तो इसके ऊपर क्या लगा लेगा, एक सीडो फोर्स नीचे की तरफ, कितनी एम ए नॉट, खत्म। अब सही है, अब इसके लिए अब हम रूम के अंदर आ गए, हमने सीडो फोर्स लगा ली, अब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको बाहर निकाल लें, ये रहा मास एम, हमने एक लगा ली सीडो फोर्स एम ए नॉट, अब इस पर हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं, ये थीटा और ये लेंथ कितनी है एल, और इस पर कौन सी फोर्स लगेगी बच्चों, नीचे की तरफ एम जी, और क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें नॉर्मल रिएक्शन से मतलब नहीं, हमें उस एस्केलरेशन से मतलब है जिससे वो फिसलेगा। तो याद करो, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और इस पर एक मास एम रखा है, नीचे की तरफ फोर्स लगती है एम जी, तो इधर कितना कॉम्पोनेंट आता है एम जी साइन थीटा, और इधर कितना आता है एम जी कॉस थीटा। इस वाले से तो मतलब है नहीं, इसकी वजह से फिसल रहा है। ये हम देख चुके हैं कि एम जी फोर्स नीचे होती है, इधर आता है एम जी साइन थीटा। इस बार नीचे की तरफ एम ए नॉट भी है, एम जी भी है, तो इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा एम ए नॉट प्लस एम जी, और दोनों का साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट। एम ए नॉट भी नीचे, एम जी भी नीचे, जैसे ये एंगल कितना होता है हमारा थीटा, तो इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। इस बार एम जी प्लस एम ए नॉट हो गया, तो इधर एम जी प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा, एम जी प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। आइए तो अब इंक्लाइन को देखिए, नीचे की तरफ कितनी फोर्स मिल रही एम ए नॉट प्लस एम जी इंटू साइन थीटा। यहाँ से आप इसका एस्केलरेशन निकाल सकते हैं, इस फोर्स को किससे इक्वेट कर दीजिए एम इंटू ए नेट, इसका नेट एस्केलरेशन क्या है जब यहाँ से हम देख रहे अंदर से देख रहे, तो m से m मर जाएगा, और इसका नेट एस्केलरेशन इस फ्रेम से देखने पे आ रहा ए नॉट प्लस जी साइन थीटा। अगर बच्चों इस फ्रेम का कोई एस्केलरेशन नहीं होता तो इसका एस्केलरेशन जी साइन थीटा दिखता, ए नॉट के आने वजह से, ए नॉट ऊपर था तो ए नॉट का कॉम्पोनेंट नीचे गया, ए नॉट प्लस जी साइन थीटा। अब ये सवाल सिंपल हो गया, आप इस फ्रेम में हो, न्यूटन्स के लॉज ऑफ वैलिड हैं क्योंकि सीडो फोर्स लगा चुके हो, ये एस्केलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, डिस्टेंस कवर करना एल है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना हो कितना है एल। नाउ यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस की जगह एल, ये जीरो, हाफ, ए की जगह ए नॉट प्लस जी साइन थीटा,
इंटू टी का स्क्वायर, और यहाँ से आप जो भी टाइम की वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम ये जरूरी नहीं था कि हम बाहर से निकालें, टाइम हर फ्रेम में सेम होता है, तो हम अंदर गए, प्रॉब्लम करना आसान हो गया। अंदर जाके सिर्फ एक काम करना था, सीडो फोर्स लगाते ही ये क्वेश्चन एकदम सिंपल बन गया। सीडो फोर्स लगाते ही इधर कॉम्पोनेंट एम ए नॉट प्लस एम जी साइन थीटा आया, और उसके बाद ये सवाल हलवा। तो बच्चों ये सीडो फोर्स के सारे कंसेप्ट जितने हम बता सकते थे हमने आपको वीडियो में बताए। देखते रहिए चैनल, एंजॉय करते रहिए, बाय बाय।